हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगी। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। इसके लिए आधा किलो कटहल लिया है। हाथों पे आप सरसों का तेल लगा लीजिएगा, वरना ये काटते समय चिपकता बहुत है। तो इसको हम बीच वाला जो पार्ट होता है इसको निकाल के फेंक देते हैं। इसको सब्ज़ी में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेंगे। आपको कटहल जो लेना है वो बिल्कुल वाइट कलर में लेना है। जो पीले कलर का होगा वो आपको नहीं लेना है। वो पीले कलर का जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी मीठी मीठी लगेगी, तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा उसका। तो इसलिए आपको स्पेशल इस बात का ध्यान रखना है कि कटहल आपका वाइट होना चाहिए। जो इसके अंदर बीज होगा वो आपको अलग कर देना है। बीज के साथ एक झिल्ली सी होती है, पपड़ी सी, वो ना तो गलेगी और वो गले में भी अटकेगी। तो उसको आप ध्यान से निकाल दीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बीज के साथ इसका एक छिलका सा होता है, वो हमें निकाल देना है और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखिए, बीज काफ़ी मोटे होते हैं, इसको हम अलग कर देंगे। इन बीजों की अलग से सब्ज़ी बनती है, तो इसमें मैं नहीं डालूंगी। इस वाली सब्ज़ी में बहुत से बीज डाल के भी बनाते हैं, लेकिन जो मेरी रेसिपी है उसमें मैं बीज का यूज़ नहीं करूंगी। और गर्मा गर्म तेल में इसे बिल्कुल सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। सारा कटहल एक बार में ही ऐड कर देंगे। और दो मीडियम साइज़ के आलू को मैंने मोटे साइज़ में काटा है, बहुत बारीक नहीं काटना है। और इन्हें भी इन्हीं के साथ हम फ्राई कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े हमें फ्राई करने हैं, ये एक बार में बहुत आसानी से फ्राई हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए, बढ़िया से ये सुनहरे होने लगे हैं। इसे ना तो हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और ना ही बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, मीडियम फ्लेम आप रखिएगा। और 6 से 7 मिनट में ये आसानी से फ्राई हो जाती है। और इसे किसी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया से आलू भी गल चुका है और हमारी कटहल भी गल चुकी है। 70% ये हमारा फ्राई करने में ही गल जाता है। यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज लूँगी और 3 टमाटर लूँगी, इन्हें रफली काट लेते हैं। इसमें जीरा ऐड करूँगी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, लौंग, काली मिर्च, 2 छोटी इलायची। आप अपने अकॉर्डिंग खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लूँगी, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, तेज़पात का पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हल्का सा भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जो मसाला हमने पीसा है उसे ऐड कर देंगे। और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जब तक भूनेंगे जब तक ये हमारा बिल्कुल सूखा सूखा ना हो जाए। जैसे जैसे आप भूनते जाओगे ये बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह का जब ये हो जाए तो इसमें बिल्कुल फ्रेश दूध की हमें फ्रेश मलाई लेनी है। ये 1 छोटी कटोरी मैंने मलाई ली है, इसे यहाँ ऐड करेंगे और इसे मिलाकर अच्छे से भून लेंगे। कटहल में मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यदि आप नहीं ऐड करते हो तो एक बार आप मिला के इसे बनाइए, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आने वाला है। ये देखिए, इस तरीके से आप भूनेंगे जब ऑयल हमारा बिल्कुल अलग हो जाए।
तभी आपको कटहल ऐड करना है, उससे पहले ऐड नहीं करना है। ये देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है, तो इस टाइम हम अपनी कटहल और आलूओं को इसमें ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और इसमें आधा गिलास हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि कटहल हमने फ्राई की है तो इसमें पानी ये ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है फ्राई कटहल, तो इसमें आधा गिलास मैंने पानी ऐड किया है। पानी कम नहीं होना चाहिए, आधे गिलास की जगह आप पौन गिलास भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ्राई किया हुआ आलू है और कटहल है तो पानी ज़्यादा लेता है। इसमें थोड़ा पानी अभी और डालना है क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कटहल और आलू, क्योंकि फ्राई करे हुए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टोटल मैंने पौन ग्लास पानी यहाँ ऐड किया हुआ है और केवल हमें एक सीटी लगानी है, और एक सीटी लगाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ना तो इसमें पानी आपको ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल जितना कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा अमचूर ऐड करूँगी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया। तो इस तरीके से आप एक बार सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं, बहुत लहसुन प्याज वाला हमने इसमें पेस्ट नहीं डाला है। और एक बार इस तरीके से आप बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे पराठा, फुलका, जैसे मर्ज़ी आप खा सकते हैं। यदि रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।